ये बाबर से बाहर नहीं आ रहे, मेरे कानों में ना भी ये वर्ड चुभने लगा है, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान। मतलब ठीक है, आप प्लेयर हैं, ठीक है, बस ठीक। आपके पास ना सिर्फ मॉडर्न डे क्रिकेट आप खेल रहे हैं, आपके माशाल्लाह हमारे पैसों में भी जमीन आसमान का फर्क है। तो क्रिकेट इवॉल्व हुई है, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना था, मॉडर्न डे क्रिकेट में आप खेल रहे हैं, दुनिया से पीछे आप रह गए हैं। टीम जिसके पास वसीम, वकार, इमरान, जावेद मियांदाद और इस तरीके के फाइटर होते थे, वो पता नहीं उस टीम में क्या हो गया। पाकिस्तान के साथ खेलना इट्स लाइक जिम्बाब्वे के साथ खेलने जैसा हो गया आज की डेट। क्योंकि शाहीन अफरीदी को पीछे कैप्टनसी से उतार दिया, तो सुनने में ये आ रहा है कि शायद अफरीदी साहब जो है वो अपने सन इन लॉ की आजकल ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि जरा तुम ये जो कैप्टन साहब है इसको नाकाम करवाओ। बाबर आजम के ऊपर उसने मैच फिक्सिंग की और पाकिस्तान को जानबूझ के मैच हरवाया, जिसके बदले में उसको आरडी ट्रान और इस तरह के गिफ्ट मिले हैं। इनकी क्रिकेट को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और आज ऐसा लग रहा है मुझे कि अब हमें अपने लोगों को सिखाने के लिए शायद अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा। वहां पे जाके आपने फंड रेजिंग शुरू कर दी जो आपका काम ही नहीं है, और पाकिस्तान की सारी टीम जो है वो अपनी बीवियां साथ लेके जाते हैं, वो समझते हैं ये हमारे लिए हनीमून ट्रिप है। ठीक है, सरकार का पैसा कमरा पहले ही मिले और ना बीवी को साथ ले जाओ, ठीक है हनीमून ट्रिप करो। ये तो पहले आप देखें ना, बाबर आजम की नई ईट्रॉन आ गई, ऑडी ईट्रॉन। बाबर आजम जो है वो उन्होंने कहा मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया, तो कल से मैं लगा हुआ था कि उनका भाई करता क्या है कि अपने भाई को 7-8 करोड़ की गाड़ी अगर वो गिफ्ट कर रहा है तो बड़ा अच्छा को काम कर रहा होगा, तो पता चला ठेंगा करता है। तो मैंने कहा ये कहां से आ गई भाई गाड़ी, तो चुड़ैल ने कहा कि आप अमेरिका से मैच हारेंगे तो गाड़ियां नहीं आएंगी। अमेरिका या फिर बाकी इफ्तिखार आए, बाबर आए, रिजवान आए, स्टक हुए हुए, सिंगल नहीं बन रहा उनसे, बाकी चले चौका चक्का नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, कोई मसला नहीं। लेकिन आपके स्टैट मेरे से भी घटिया है, आपके स्टैट मेरे से भी नीचे है, लेकिन आप किंग है, ओ भाई आप जाली किंग है। तो ये चीज पाकिस्तानियों में क्यों नहीं है, क्यों हम समझते हैं कि हमें जो है वो हमारे खिलाड़ी न्यूयॉर्क जाते हैं, वहां पे जाके मस्जिदों के जो चंदे जमा करवाते हैं, फिर 25-25 डॉलर की वो टिकटें लेते हैं, कि हमारे लोग जो है ना अभी उम्र ही क्या है यार, अभी आपको 2-2, 3-3, 4-4 साल हुए हैं क्रिकेट खेलते हुए, अभी से आपने ग्रुपिंग कर ली, अभी से पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया। क्या है कि न्यूयॉर्क के अंदर हमने सड़कों पर नमाजें पढ़नी है ताकि हमने न्यूयॉर्क को फतह करना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देख ही लिया, अफगानिस्तान के जीतने के बाद से ही पाकिस्तान ने अपने टीम को कोसना शुरू कर दिया है और अपने टीम की पोल खोलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ ये बोल रहा है कि जिस टीम को कभी हम क्रिकेट सिखाते थे, आज वो टीम ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े टीम की मुसीबतें बढ़ा रही है और उन्हें हरा रही है। अफगानिस्तान जैसे प्लेयर की तरह हमारे प्लेयर्स में वो जज्बा क्यों नहीं है? साथ ही पाकिस्तानी मीडिया अपनी टीम की पोल खोलते हुए कहा कि हमारी टीम गली मोहल्ले जैसा व्यवहार करती है और जानबूझकर कैप्टन को नीचा दिखाने के लिए मैच हार जाती है। हमारी टीम बाहर जाती है तो लोगों से चंदा बटोरने में लग जाती है और एक फोटो के लिए लोगों से $25 लेती है। इतना ही नहीं, पाक मीडिया ने कहा कि हमारी टीम के सारे प्लेयर अपनी वाइफ को साथ लेकर जाते हैं। ये कैसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए अपनी बीवी को साथ लेकर जाते हैं? लगता है ऐसे है कि वो बाहर मैच खेलने नहीं, बाहर वो अपनी बीवी को लेकर हनीमून मनाने जाते हैं। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। एक बहुत बड़ा क्रिकेट का अपसेट हुआ है और वो ये है कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ये बहुत बड़ा क्रिकेट का अपसेट है, लेकिन मैं इसको इस सेंस में नहीं देखता कि ऑस्ट्रेलिया हार गया, मैं इसको इस सेंस में देखता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि कभी अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाती रही, वो अफगानिस्तान आज इस काबिल बन गया कि उसने ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में जाने में मुश्किलात पैदा कर दी हैं। और पाकिस्तान जो है वो ना इंडिया से जीत सका, ना अमेरिका से जीत सका, और पता नहीं उसके बाद तो फिर किसी ने क्रिकेट देखा ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिवाय वो जो जुआरी होंगे, बुकी होंगे, वो देखते होंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन अवाम ने तो क्रिकेट देखना उसके बाद बंद कर दिया। मैं इसको लिंक करना चाहता हूं इस जो अफगानिस्तान की जो जीत है, मैं उसको लिंक करना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के अंदर कितनी करज है, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। अफगानिस्तान के अंदर जलसे जुलूस निकल रहे हैं, वहां पे सड़कों पे लोग आए हैं कि हम आज इस काबिल हो गए हैं कि हमने डेवलप्ड वर्ल्ड के एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर क्रिकेट टीम को हमने हरा दिया। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब ममालिक हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहुत सारे, उनके अंदर एक अर्ज होती है। मुझे समझ नहीं आई, ना हम अमीर हुए हैं, ना हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है, ना हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, लेकिन हमारी जो ये जो टीमें हैं क्रिकेट की, इनके अंदर तड़प ही कोई नहीं है।
इनके अंदर वो आग ही नहीं है कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। जब आप दुनिया के किसी मैदान में भी उतरते हैं, वो तालीम हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो कल्चर की हो, वो फिल्म इंडस्ट्री हो, तो अब हमारी दुनिया में क्या रेपुटेशन जाती है जिस स्वात में हमने एक बंदे को जला दिया जिसका दिमाग खराब था, सुनने में आता है, मैंने कुछ ज्यादा उसको स्टडी नहीं किया, दिमाग खराब था, माँ बाप ने आग कर दिया, स्वात के किसी होटल में रह रहा था, उसने वहां पे कोई सुनने में आया कि जो है वो बेहुरमती की सजा पाकिस्तान के कानून में मौजूद है और वो सजा जो है वो ऐसे ही है कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 295 सी, 297, 298, ये 3-4 आर्टिकल हैं, जिसने जो सजा जो जुर्म किया है उसको उसके मुताबिक सजा मिल जानी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बंदे जलाते हैं। कल की बात है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के मेंबर नेशनल असेंबली ने इस तरह के डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल किए कि सारी की सारी कौम का जो सर झुक गया उससे, और अब स्पीकर असेंबली कौमी असेंबली को उसके बंद करने पड़ा, उसको सस्पेंड करना पड़ गया, उसकी रुकनीत मुअत्तल करनी पड़ गई। मतलब ये क्या मजाज है, हमारी कौम का क्या मजाज है, जैसे अल्फाज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इस्तेमाल होते हैं ऐसे तो कोई गली मोहल्लों में इस्तेमाल नहीं करता। तो हमारी क्या पार्लियामेंट भी उस जवाल का शिकार है, हमारी स्पोर्ट्स भी जवाल का शिकार है, हमारा कल्चर भी जवाल का शिकार है। हर बंदा यही क्यों कहता है कि जी मैंने जो अपने पैसे मुल्क के जो है वो बाहर भेजने हैं। अफगानिस्तान से जो चीज सीखने की है वो सीखने वाली है कि भाई किस तरह आप एक छोटा मुल्क हो, आप एक कमजोर मुल्क हो, आपके पास पैसे कोई नहीं है, आपके पास तालीम कोई नहीं है, आपके मुल्क में खाना जंगी लगी हुई है, पूरी दुनिया की फौजें आपके मुल्क में बैठी हुई हैं, कुछ लड़के कोई इधर से पकड़ पकड़ के जो है वो इकट्ठे किए और उन लड़कों ने जान मारी, क्रिकेट खेली और आज वो इस काबिल हो गए कि वो ऑस्ट्रेलिया को कभी हरा देते हैं, कभी वो बरतानिया को हरा देते हैं, कभी वो पाकिस्तान को हरा देते हैं, कभी वो किसी को हरा देते हैं। तो ये चीज पाकिस्तानियों में क्यों नहीं है, क्यों हम समझते हैं कि हमें जो है वो हमारे खिलाड़ी न्यूयॉर्क जाते हैं, वहां पे जाके मस्जिदों के जो चंदे जमा करवाते हैं, फिर $25-25 की वो टिकटें लेते हैं, वहां चले जाते हैं जहां पे सेल्फियां बनवाते हैं $25-25 की, और शौक क्या है कि न्यूयॉर्क के अंदर हमने सड़कों पे नमाजें पढ़नी है ताकि हमने न्यूयॉर्क को फतह करना है। ये जो हमारे हर मुसलमान के है, हर पाकिस्तानी के दिमाग में ये चीज है ना कि हमने फतह करना है, ये बड़ी फतह करना चाहिए, लेकिन इकोनॉमी की शक्ल में, तालीम की शक्ल में, टेक्नोलॉजी में, इसमें नाम आना चाहिए, ना कि इसमें नाम आए कि जी मैंने न्यूयॉर्क की सड़क पे नमाज पढ़ दी, ना कि इसमें नाम आए कि आप क्रिकेट खेलने गए न्यूयॉर्क में और वहां पे जाके आप चंदे मांगते रहे, और ना कि इस चीज में नाम आए कि आप गए क्रिकेट खेलने और वहां पे जाके आपने फंड रेजिंग शुरू कर दी जो आपका काम ही नहीं है। और पाकिस्तान की सारी टीम जो है वो अपनी बीवियां साथ लेके जाते हैं, वो समझते हैं ये हमारे लिए हनीमून ट्रिप है, ठीक है सरकार का पैसा कमरा पहले ही मिले और ना बीवी को साथ ले जाओ, ठीक है हनीमून ट्रिप करो। ये तो मैं कहता हूँ इसके ऊपर भी रेगुलेट करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, एक हो गया, दो ट्रिप हो गए साल में, इसको भी ठीक है 1-2-3 ट्रिप में ले जाए, लेकिन हर ट्रिप में ही आप अपने साथ अपनी बेगम को साथ ले जाए, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है, ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप ये कह सकें कि ये अप्रिशिएबल है, मैं तो इसको जरा भी अप्रिशिएबल नहीं मानता। से लेते हैं, काम करते हैं और इनको हमने नेशनल सेलिब्रिटी बनाया है, अरबों रुपए की दिहाड़ियां, करोड़ों रुपए ये पूरी जिंदगी में कमाते हैं और टीम के लिए और मुल्क के लिए सियासतें करते रहते हैं, क्योंकि हमारी टीम में इस वक्त भी दो धड़े हैं, एक वो क्या नाम है हमारा जो कैप्टन है वो वाला, और एक शाहीन अफरीदी का धड़ा, क्योंकि शाहीन अफरीदी को पीछे कैप्टनसी से उतार दिया, तो सुनने में ये आ रहा है कि शायद अफरीदी साहब जो है वो अपने सन इन लॉ की आजकल ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि जरा तुम ये जो कैप्टन साहब है इसको नाकाम करवाओ, सुनने में तो ये आ रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा, मेरी वैसे अपनी भी असेसमेंट जो है ना वो थोड़ी सी से मिलती जुलती है कि हमारे लोग जो है ना अभी उम्र ही क्या है यार, अभी आपको 2-2, 3-3, 4-4 साल हुए क्रिकेट खेलते हुए, अभी से आपने ग्रुपिंग कर ली, अभी से पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया, शौक आ जाए कि हमने अपने मुल्क का झंडा बुलंद करना है और हमने अपनी इज्जत बनानी है, तो मजा तो वहां पे है ना यार, ये थोड़ी है कि आप ये कहें जी कि जी ओ जी पायना है तो खैर ही है, वेखी जाएगी जो होएगा कर लांगे, खैर है अगली दफा जीत जाएंगे, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, हमें कोई इनसे प्यार नहीं है,
हमें उनसे प्यार होना चाहिए भाईजान। जो बंदा आपके लिए काम करेगा, जो आपको पैसे मिल रहे हैं ना, तो आप उनको वो पूरे करें। जैसा कि आपने देख लिया, पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन हो या फिर क्रिकेट प्लेयर, वो अपना काम छोड़कर बाकी सब करते हैं। कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तान अमेरिका से जानबूझकर मैच हारा था, अमेरिका के साथ मैच फिक्स किया था। यही वजह है कि पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने करोड़ों रुपए की कार अभी जल्द खरीदी है, और पाक मीडिया के पूछने पर बाबर आजम ने बोला कि ये कार उनके भाई ने उन्हें गिफ्ट की है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।